हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, नमो बुद्धाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिल्मी पकोड़ा। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए फहद राय यूट्यूब चैनल से एक हॉरर वीडियो लेके आया हूं, जिसका नाम है रियल स्कैरी घोस्ट। अब देखते हैं इसमें क्या वाकई में भूत दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, वो तो देखने पता चलेगा। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं रिएक्शन वीडियो, आइए देख मजा आएगा। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक ऐसे डार्क रूम के बारे में, जहां पर एक इंसान को कई सालों से कैद करके रखा गया है। एक ऐसा स्टैचू जिसे बोलते हुए कैप्चर किया गया है, एक ऐसी लेडी जिसे रोते हुए रिकॉर्ड किया गया है, एक ऐसी छवि जिसे पेड़ पर हिलते डुलते हुए देखा गया है, एक ऐसी लड़की जिसे सोते हुए रिकॉर्ड किया गया है, एक ऐसा शख्स जिसे ज़ोंबी बॉय के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा ज़ोंबी जिसे कई सालों से कैद करके रखा गया है। तो आइए मिलके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो है हांगकांग से, जहां पर 13 साल की लड़की एक अकेले घर में सो रही होती है। तभी अचानक से कोई ऐसी चीज आकर इस लड़की का पांव पकड़ के इस लड़की को पीछे की तरफ खींच के ले जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के मुताबिक पता चला है कि इस लड़की की मौत हो जाती है। अब सवाल यहां पर पैदा होता है कि आखिर इतने बड़े घर में ये अकेली लड़की क्या कर रही होती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस लड़की के घर वाले इस लड़की को सुला कर कहीं बाहर चले जाते हैं, लेकिन जब वो वापस आते हैं तब तक इस लड़की की मौत हो चुकी होती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये वीडियो रियल है या फिर फेक है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। घर में कोई नहीं तो वीडियो रिकॉर्ड किसने किया? वीडियो आया है अमेरिका से, और ये वीडियो एरिया 51 के किसी लैब का है, जहां पर एक ज़ोंबी को एक मशीन में कई सालों से बंद करके रखा गया है। ये ज़ोंबी पहले तो इंसान ही था, लेकिन इसके ऊपर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करने की वजह से ये धीरे धीरे से ज़ोंबी बनता गया, और आज ये पूरी तरह ज़ोंबी बन चुका है। लेकिन क्या हो जब ये मशीन तोड़कर इस मशीन से बाहर निकल जाए, लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है इसके बारे में, नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो साउथ के किसी जंगल का है, जहां पर कुछ लोग घूमने के लिए जाते हैं। वहीं उनमें से एक शख्स ऊपर पेड़ की तरफ देखता है और उसे ये लेडी दिखाई देती है। वो सोचता है कि आखिर ये लेडी इस पेड़ के ऊपर कैसे खड़ी हो सकती है। तभी वो अपना मोबाइल निकालता है और ये सारा माजरा रिकॉर्ड कर लेता है। वहीं पर कुछ देर बाद एक अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है, और तभी सब लोगों को पता चल जाता है। आखिर ये आवाज किसकी हो सकती है, ये आवाज किसी जानवर की तो नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो यूरोप के किसी म्यूजियम का है, जहां पर आप देख सकते हैं एक सामने की तरफ स्टैचू रखा होता है। तभी थोड़ी देर बाद यहां की विंडो खुद ब खुद ओपन हो जाती है, और अगर आप स्टैचू के फेस पर नजर डालेंगे तो स्टैचू के फेस के रिएक्शन खुद ब खुद चेंज हो रहे होते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टैचू स्केली स्टैचू हो सकता है। आपको क्या लगता है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो हिमालय के किसी हाईवे का है, जहां पर अचानक बस के सामने एक ज़ोंबी आकर खड़ा हो जाता है और बहुत ज्यादा अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाता है। ये ज़ोंबी इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि किसी की जान भी ले सकता है।
मैं आपको बता दूं कि इस शख्स की ज़ोंबी बनने की आखिर वजह क्या है। दोस्तों कुछ दिन पहले ही इस शख्स को एक पागल कुत्ते ने काटा होता है। ये शख्स धीरे धीरे से ज़ोंबी की शक्ल लेने लग जाता है और कुछ दिन बाद ही ये शख्स पूरी तरह से ज़ोंबी में बदल जाता है और इस शख्स ने कई लोगों को तो नुकसान भी बहुत ज़्यादा पहुँचाया होता है। तभी लोग बहुत ज़्यादा इससे तंग हो जाते हैं और मजबूरी में इस शख्स को मार देते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये वीडियो रियल हो सकता है या फिर फेक है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। आया है रशिया से, जहाँ पर एक लड़की टिकटॉक बना रही होती है। तभी अचानक से उसके घर में से उसकी अम्मी की चीखने की आवाज़ आती है। लड़की भाग कर अपने अम्मी के कमरे में चली जाती है। तब वो अपनी अम्मी से पूछती है कि मम्मा क्या हुआ, लेकिन उसकी अम्मी रोने के अलावा कुछ और नहीं बताती है। तब वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर मेरी अम्मी रो क्यों रही है। लेकिन इस लड़की को इस वजह के बारे में पता नहीं चलता है। लेकिन कुछ देर बाद ये लड़की जब मिरर में देखती है तो ये लड़की बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। इसकी अम्मी की आंखें जो कि बिल्कुल ब्लैक नज़र आ रही होती हैं और कोई रिएक्शन नहीं होता है। ये लड़की अपनी अम्मी को बहुत ज़्यादा समझा रही होती है और कह रही होती है कि ये बस एक मिरर ही है और कुछ नहीं, हकीकत में आप ऐसी नहीं हैं, हकीकत में आप ठीक ठाक ही दिख रही हैं। लेकिन इसकी अम्मी चुप नहीं करती है और बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तभी अचानक से एक और घटना घट जाती है। पीछे इसके एक अजीब तरह का जिन नज़र आ रहा होता है। आखिर ऐसा वाकया कहीं पर नहीं हुआ है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये सच्ची घटना हो सकती है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये कहानी है साल 1990 की, जब अमेरिका में एक एक्सपेरिमेंट के दौरान चार लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लिया था। ये एक्सपेरिमेंट इतना ज़्यादा खतरनाक था कि इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में 30 दिन तक इन लोगों को बिना खाए पिए बिना सोए यहीं पर टाइम पास करना था। इन लोगों ने इस चैलेंज को बहुत ज़्यादा आसान समझा, लेकिन ये जितना ज़्यादा आसान लग रहा था उतना ही ज़्यादा बहुत मुश्किल था। ये 30 दिन तक जिंदा कैसे रहते, आप खुद सोचें। जब इस डार्क रूम में अलग अलग जगह पर ऑक्सीजन मशीन लगाए गए, इनको भी नहीं पता था कि यहाँ पर कुछ ऑक्सीजन मशीन लगाए गए हैं। ये इतना सीक्रेट था कि इसके बारे में यहाँ के लोगों को भी नहीं पता था। कुछ दिन तो इन लोगों के बहुत आसानी से गुजर गए थे, लेकिन कुछ दिन बाद यहाँ के चार लोग अजीब तरह से हरकतें करने लग गए, अपने आप को ही खाने लग गए, जिनमें से तीन लोगों की तो मौत हो चुकी थी। एक शख्स बचा हुआ था जिसकी आप अभी वीडियो देख रहे हो। ये शख्स जिंदा तो काफ़ी दिन तक रहा और कुछ दिन बाद इसे अस्पताल में एडमिट कर दिया गया। लेकिन इस शख्स ने कहा, मुझे उस डार्क रूम में ही छोड़ दो, मैं वहाँ पर जैसा भी था खुश था। ये शख्स अजीबोगरीब हरकतें करने लग गया। लेकिन कुछ दिन बाद साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा इससे तंग हो चुके थे और मजबूरी में इनको गोली मार कर मार दिया गया। वैसे आपको क्या लगता है इस सारी घटना के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ऐसी कोई स्टोरी सुननी हो या कोई स्टोरी देखनी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक्टिविटी हो रही है, बंदा कैमरा चालू पहले करेगा, बाद में करेगा, सब कुछ पहले कैमरा चालू करना है। उसको पता है पहले से कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, तो थोड़ा मुझे तो स्क्रिप्टेड लगता है, सीधी सी बात है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है वगैरह। कभी कभी अदर वीडियो अगर ऐसा कुछ मिलेगा तब अलग बात, बाकी इनमें से तो मुझे कोई ऐसा वीडियो लगा नहीं। और जो आखिरी वाले की बात कर रहे हैं पहले नंबर पे था, तो एक एक्सपेरिमेंट था अलग सा ही, ऐसा कुछ हॉरर के लिए नहीं था वो। बंदा एक ही कमरे में रह रहा है एक महीने से, तो
नॉर्मल सी बात है उसी चीज का, वो आदि हो जाएगा, वहीं पे रहना चाहेगा, क्यों रहेगा, और ऊपर से खाना भी नहीं दे रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन अच्छा था, बहुत ही शानदार वीडियो था आहद राय का, बहुत ही शानदार वीडियो था इनका। बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे वीडियो बनाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे हॉरर वीडियो या फिर सॉन्ग या फिर कुछ भी जो आपका फेवरेट हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी मिलते हैं ऐसे और शानदार वीडियो के साथ। जब तक मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियो आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। बाकी मिलते हैं ऐसे और शानदार वीडियो के साथ। जब तक स्टे ट्यून, बाय। Roll up to the party, roll up to the party, roll up to the party, roll up.